किया जा रहा है? आज यहाँ नहीं दे रहा है, सब ब्लैक से बेच रहा है। 1500 में डीएपी बेच रहा है, 1400 में एनपीके बेच रहा है, पोटास 1600 में बेच रहा है, यूरिया 350 में बेच रहा है, ब्लैक से बेच रहा है। कच्ची पर्ची पे पैसा लेता है, बिल निकाल के फाड़ देता है। जब पक्की बिल का मांग किया जाता है तो खाद नहीं दिया, खाद नहीं देता है, खाद नहीं है मेरे पास। कौन सा भी दुकानदार ऐसा कर रहा है? सारे दुकानदार चंपारण, किसका नाम बोलेंगे, एक भी दुकानदार नहीं है वैसा जो देता है। सारे दुकानदार नहीं हुआ है, बना हुआ खेत तरा हुआ है। अच्छा, आज के चलते मकई नहीं रोपे, कब रोपेंगे मकई? ब्लैक से कर रहा है, ब्लैक से जो है 1400-1500 का बोरा डीएपी देता है। 1500 रुपया डीएपी देता है? हां, ब्लैक से, ब्लैक से बहुत अपना है तो 1400 रुपया देगा। आप देखिए क्लोज आदमी है, मिस्टर जो एनपीके कहते हैं वो 1600 रुपया बोरा देता है। 1400-1500 रुपया पोटाश मांगता है, अभी कैल्शियम का 800-900 रुपया बोरा मांगता है। डीएपी खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने चंपानगर के मुख्य सड़क को किया जाम। केनगर प्रखंड के ख्याति बाजार चंपानगर में डीएपी खाद विक्रेताओं के यहां पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं रहने के कारण तथा कुछ दुकानों में डीएपी खाद उपलब्ध होने के बावजूद भी दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी करने के आरोप में बुधवार की सुबह केनगर कचहरी बलवा मुख्य पथ स्थित चंपानगर बाजार में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने बांस बल्ली से सड़क जाम कर विरोध जताया। किसान सवेरे सवेरे विक्रेता के यहाँ खाद लेने पहुँचे थे, लेकिन किसान के हिसाब से खाद उपलब्ध नहीं रहने के कारण विक्रेता खाद को का किल्लत बताया, जिससे नाराज कई उपभोक्ताओं ने धीरे धीरे जमी। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने अलग अलग पंचायत क्षेत्र से पहुंचकर सड़क को करीब 1.5 घंटे तक के लिए जाम कर दिया। आक्रोशित किसानों द्वारा खाद विक्रेताओं पर आरोप लगाया जा रहा था कि 1200 का डीएपी खाद कालाबाजारी के तहत 1400-1500 रुपये में बिक रहा है। सड़क जाम की सूचना पाकर चंपानगर ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार व पुलिस पदाधिकारी ददन कुमार अपने अन्य सशस्त्र बलों के साथ जाम स्थल पर पहुंचे तथा आक्रोशित किसानों को बड़ी मशक्कत से समझाने बुझाने के बाद जाम को हटाने को लेकर सहमति जताई तथा किसानों एवं खाद विक्रेताओं के साथ बैठक कर निर्धारित मूल्यों पर डीएपी एवं अन्य उर्वरक खाद बेचने का निर्देश देकर जाम को हटवाया। अभी जो यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है, किस बात को लेकर किया जा रहा है? यहाँ नहीं दे रहा है, सब ब्लैक से बेच रहा है, 1500 में डीएपी बेच रहा है, 1400 में एनपीके बेच रहा है, पोटास 1600 में बेच रहा है, यूरिया 350 में बेच रहा है, ब्लैक से बेच रहा है। कच्ची पर्ची पे पैसा लेता है, बिल निकाल के फाड़ देता है। पक्की बिल नहीं देता है? बिल नहीं देता, पक्की बिल को नहीं मानता हूँ। पक्की बिल मांगेगा तो खाद नहीं देगा। जब पक्की बिल का मांग किया जाता है तो खाद नहीं दिया, खाद नहीं देता है, खाद नहीं है मेरे पास। कौन सा भी दुकानदार ऐसा कर रहा है? सारे दुकानदार चंपारण, किसका नाम बोलेंगे, एक भी दुकानदार नहीं है वैसा जो देता है। सारे दुकानदार, सब दुकानदार यही काम करता है? सब दुकानदार यही काम, यूनाइट कर लिया दुकानदार सब, अपने आप को बैठ सब एकता कर लिया है, कर लिया पूरे बाजार में। कौन सब खाद का भी मांग है और कौन सब खाद? डीएपी, पोटास, यूरिया 350 में, 260 रुपया कीमत है, 59 रुपया कीमत है यूरिया का। सरकार के 266 रुपया किया गया है, 266 रुपया 350 से नीचे देता ही नहीं है, 350 रुपया लेता है, 300-350 लेता है। ब्लैक से अगर ज्यादा परेशान कीजिएगा तो कहेगा पैसा है, 350 रुपया दीजिए। अगर दुकानदार को बोला जाए 266 रुपया हम देने के लिए, मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, उसके पास खाद नहीं रहता है, 266 के नाम पे 350 के नाम पे निकल जाता है। खाद नहीं है भैया, यहाँ मेरे पास खाद नहीं है, पूरे दुकानदार के पास जाइएगा, घूम के जाइएगा, खाद नहीं देगा। दिन प्रतिदिन हम लोग चक्कर काटते हैं, प्रतिदिन कम से कम मकई रोपा नहीं हुआ है, खेत वैसे बना हुआ, खेत पड़ा हुआ है। अच्छा, आज के चलते मकई नहीं रोपे, कब रोपेंगे मकई? क्या कहेंगे आप, प्रशासन जो आए हुए थे, क्या दिया प्रशासन? जो प्रशासन कुछ नहीं है, प्रशासन ऊपर से बात कर रहा है, प्रशासन ऊपर बात कर रहा है, ब्लैक से जो है 1400-1500 रुपया बोरा डीएपी देता है, 1500 रुपया डीएपी देता है, ब्लैक से, ब्लैक से बहुत अपना है तो 1400 रुपया देगा। आप देखिए क्लोज आदमी है, मिस्टर जो एनपीके कहते हैं वो 1600 रुपया बोरा देता है। उसका दाम कितना है एनपीके का? 950 रुपया दाम है उसका, 950 है, देता है 1600 में, मतलब डायरेक्ट दुगुना। पूरा कालाबाजारी चल रहा है, 1400 रुपया पोटास का कीमत मांग रहा है, 1400-1500 रुपया पोटास मांगता है, अभी कैल्शियम का 800-900 रुपया बोरा मांगता है। तो चक्का जाम आज सारा दिन रहेगा या खोल दिया जाएगा आश्वासन के बाद? नहीं होगा, जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक चक्का जाम रहेगा। दुकानदार सही रेट नहीं देगा माल, प्रशासन आगे तक निगरानी करे इस पर। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम है शंकर दास, जगन्नाथपुर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5 है, जगनी पंचायत, जगनी पंचायत के नगर। मेरा नाम है मोहम्मद रईस, घर मुगला, वार्ड नंबर 6। कौन
ग्राम पंचायत कोटिया रामपुर।